अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब भी कोई आपका रिश्ता देखने आए तो आपने इन तीन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। दोस्तों, पहले नंबर पे आपने नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं क्या होगा, मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या मैं कौन सी ड्रेसिंग करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे उलझन में नहीं पड़ना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी अभी नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बात ना मेरी पल्ले बांध लो, अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म है ना कि आपका वहाँ पर रिश्ता होना है और अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो आपका वहाँ होके ही रहेगा। और अगर वहाँ पर नहीं होना, वो आपके लिए बेहतर नहीं है, अल्लाह की तरफ से आपका उधर रिश्ता नहीं लिखा हुआ, तो जो कुछ मर्जी कर लो, आपका वहाँ पे रिश्ता नहीं होगा। अगर इन केस आपको पसंद नहीं भी करते हैं तो क्या हो गया, कोई और रिश्ते देखने वाले आएंगे, वो पसंद कर लेंगे, उन्होंने नहीं किया तो कोई और आके पसंद कर लेंगे, इस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहे हो। दोस्तों, सम टाइम होता है कि अगर उन्होंने पसंद आपको नहीं किया तो वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर इन केस उससे शादी हो जाती है तो कल को आपके ही मामला ख़राब होने हैं, तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होता। तो इसलिए रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो, बिल्कुल ईजी लो, इतना इसको सर पे ना चढ़ाओ। सर पे चढ़ाओगे तो जब वो आएंगे तो आप नर्वस बैठे हो गए, उन पर बहुत ज़्यादा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा कि इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और आपने जो उनके साथ बातें करनी है वो भी सही तरह से नहीं कर पाओगे, डर डर के करोगे, बुरा ही इंप्रेशन पड़ेगा, नुकसान ही होगा। इसलिए चिल रहो, रिलैक्स होके, नींद आ रही है तो सो जाओ, ज़्यादा जागने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। तो दूसरे नंबर पे अपने नेचुरल रहना है, बनावटी नहीं बनना, हर लिहाज से, बोलने के लिहाज से, चलने के लिहाज से, बालों के लिहाज से, ड्रेसिंग के लिहाज से, उनकी इज्जत के लिहाज से, हर लिहाज से अपने नेचुरल रहना है। और नेचुरल का ये मतलब नहीं है कि मतलब घर में आप जैसी ड्रेसिंग करते रहते हैं, कभी टूटी सी चप्पल पहनी हुई है और कपड़े सादे से हैं, इतना ज़्यादा भी नेचुरल नहीं रहना है। थोड़ा सा मतलब अपने आप को अच्छा कर लेना कि जो घर में आप नॉर्मल अच्छे कपड़े पहनते हो वही पहने, और जूता थोड़ा सा अच्छा पहन लेना है। बाल, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बालों पर कुछ लोग जेल लगा लेते हैं कि आ रहे हैं रिश्ता देखने वाले, फुल पप्पू बच्चे बनते हैं, तो वो वाला सीन नहीं करना है। बस जैसे नॉर्मल बाल घर बनाते हैं वही बनाने हैं। ड्रेसिंग भी मैंने बताया कि ओवर नहीं करनी है, नॉर्मल करनी है, और बोलने के लिहाज से भी ज्यादा ओवर नहीं होना है। ओवर पता चल जाता है कि बंदा ओवर हो रहा है ज्यादा, बस तमीज के दायरे में, लिमिट में बात करनी है। जो आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर टू द पॉइंट देना है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करना, ज्यादा नहीं बोलना। ज्यादा बोलेंगे तो वो आपको कहेंगे ये तो बंदा बोलता ही बहुत है, कम बोलेंगे तो वो आपको कहेंगे कि ये तो बंदा बहुत बोरिंग है। तो इसलिए आपने जो पूछते हैं बस टू द पॉइंट आपने बताना है। और चलने के लिहाज से मैंने कहा कि अगर आप नॉर्मल ऐसे ऐसे चलते हैं तो जैसा आप चलते हैं वैसे ही चलें, तो जब वो आए तो आपको बनावट करने की जरूरत नहीं है कैसे फुल शाहरुख खान बन जाए और इस तरह पूरा लगता है। आप लोग समझ गए होंगे नेचुरल का क्या मतलब है। नेचुरल रहना, कुछ भी बन के नहीं दिखाना, जो हैं सो हैं, वैसे ही पसंद करें भाई हमें, ये उनको नहीं कहना है, अंदर ही अंदर कहना है कि जैसे हैं वैसे ही पसंद कर लो, हमें पसंद आता ठीक है, नहीं तो ठीक है जाओ फिर। दिल में कहना है आपने, उनको नहीं कहना, वरना काम खराब हो जाएगा। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सच में बरकत है, चाहे छोटा सा भी हो झूठ नहीं बोलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 8 क्लास तक पढ़ा है, आपसे पूछना है कि आपने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, आपने मैट्रिक नहीं बताना, 8 ही बताना है। अनपढ़ हो तो अनपढ़ ही बताना है, अगर आपकी 10,000 या 15,000 सैलरी है तो 10 या 15 ही बतानी है, डबल बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी 30,000 सैलरी है या मेरी 25,000 सैलरी है। ड्यूटी टाइमिंग अगर आपकी 12 घंटे है, सुबह 8 से रात 8 बजे तक है, तो इतनी बतानी है, 6 घंटे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसका नुकसान होता है अगर आप झूठ बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 8 जमातें पढ़ी हैं और आप उनको मैट्रिक कहें, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि उन्होंने आपकी अम्मी से पहले ही पूछ लिया और आपकी अम्मी ने कहा हो कि मेरा पुत्र 8 जमातें पढ़े आया है, और आप आगे से मैट्रिक कह दें तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, वो कहेंगे यार पहला झूठ, इसकी माँ कह रही थी 8 पढ़ा, ये मैट्रिक कह रहा है, तो बुरा इंप्रेशन इस तरह पड़ता है। इसलिए अपने सच का साथ देना। और अगर आप ये कह देते हैं, अपनी सैलरी ज़्यादा बता देते हैं, तो ज़रा घर में वो बात करेंगे आपकी टाइमिंग की, ड्यूटी टाइमिंग की, सैलरी की, तो जिस लड़की से आपकी शादी होनी है ज़रा वो भी सुनेंगे, उसको पता चलेगा। तो लड़कियों का ये होता है कि जब उनकी शादी होने वाली होती है तो वो सारे ख्वाब पहले ही देख लेती हैं कि मेरे हस्बैंड की ना 30,000 रुपये सैलरी है, 15,000 रुपये में घर का खर्चा चल जाया करेगा, 15,000 हम इंजॉय करेंगे। अच्छा, उनकी टाइमिंग सुबह 9 से 3 बजे तक है, अच्छा 1 घंटा आके रेस्ट कर लेंगे, फिर हम घूमने फिरने जाया करेंगे, उधर भी खाएंगे उधर पिएंगे, ऐसे मज़ा करेंगे। तो सारी प्लानिंग कर लेगी, जब आएगी पता चलेगा 15,000 रुपये सैलरी है, 12 घंटे ड्यूटी है, तो उसका दिल टूट जाएगा, फिर सारी ज़िंदगी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए जो है सो है, जैसे आप हैं वैसा ही बताएं, ताकि वो जाके लड़की को वैसा ही बताएं और लड़की वैसे ही आप अपने जो भी ख्वाब देखना देखे और जो उसको बताया गया वो आए तो सच में वही कुछ ही उसको मिले और वो भी खुश हो जाए। तो इसलिए झूठ नहीं दोस्तों बोलना है, झूठ का साथ नहीं देना, सच का साथ देना है। तो इंशाल्लाह आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो टेंशन नहीं लेनी है, हो सकता है आपके लिए बेहतर ना हो। तो दोस्तों एंड पे मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह करे आपका वहाँ पर रिश्ता हो जो खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो, नेक हो और आपके हक में बेहतर हो, आमीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।